फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है संडे वैसे, लेकिन हमारा आज संडे को एक इवेंट है जिसकी हम तैयारी कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, वो भी वीडियो आपको दिखा दी हूँ। और अब हमें जाना है, बस उसी इवेंट के लिए हम निकल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, ये क्रीम कलर की साड़ी पहननी थी उस डांस में, तो मैंने क्रीम कलर की साड़ी और जूड़ा बांधना था, तो मैंने बन जो था वो लगा लिया है। तो बस अब मैं चल रही हूँ ममता मैम को लेने, और ममता मैम को लेके फिर हम सिरसा के लिए निकलेंगे। और सिरसा में प्रोग्राम जो हमारा है वो देखने के लिए आप लोग भी जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलिए चलते हैं साथ में। इनके लिए पनीर के पराठे भी बना दिए, और देखिए चाय वाय सब बना के रेडी कर दी हूँ, और फिर मैं निकलती हूँ। मैंने चाय पी ली है और पराठे नहीं खाए, क्योंकि इतने सुबह नहीं खाए जाते। चलती हूँ ममता मैम के घर की तरफ, और आ ही गई हूँ। अब यहाँ पर हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, और हम बस हिसार के हिसार छोड़ चुके हैं, और सिरसा हम पहुँच गए हैं। सिरसा में एंट्री कर चुके हैं। यहाँ पर हमारे सारे रेडी हैं, डांस वाले सब। देखिए एक जैसे गेटअप में, आंटी देखो, शकुंतला आंटी व्लॉग बन रहे थे, देखो हेलो करो। हेलो, हेलो संगम, हेलो जी, हाय, हेलो। तो यहाँ पर हमारे सब लोग आ चुके हैं, पूरी टीम आ चुकी है, और बस अब हम एंट्री करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सारे डांस वाले एक ही गाड़ी में थे, और बातचीत करते करते कब सिरसा आ गया पता ही नहीं चला, बहुत मजा आया। तो सब लोग चले गए हैं, हम लोग रह गए हैं, होटल हमारा आ चुका है, लेकिन हम तीन कैद हैं, हम पीछे है ना, तो अंकल जी जब तक अंकल हमें कैद कर रखे हैं। चलिए, थैंक यू अंकल। तो यहाँ पर हम लोग हेवन होटल के सामने ही है, क्योंकि इसी में हमारा प्रोग्राम है। तो बस हम उसके आगे गाड़ी से उतर गए हैं, अब एंट्री करेंगे। और यहाँ पर सब लोग देखिए पहले से इकट्ठी हो गई हैं, क्योंकि बारी बारी से गाड़ियाँ आई हैं। तो हिसार से कई सारी गाड़ियाँ गई थी, और बहुत सारे लोग भी गए थे। तो यहाँ पर छोटी सी गुड़िया है, ये हम लोगों का वेलकम कर रही है, तिलक करके मुँह मीठा करा रही है, और साथ ही साथ फ़ोटोशूट भी शुरू हो चुका है। तो ये यहाँ पर देखिए गुंजन मैम और ममता मैम दोनों फोटो में लग गई हैं। हम सारे इकट्ठे होके अभी रूम हमें मिला है, हम तैयार हो रहे हैं, मतलब हल्का सा टचअप दे रहे हैं, क्योंकि इधर से सब लोग तैयार होके आए थे। तो जो आज की हमारे चीफ गेस्ट हैं एमपी ऑफ सिरसा सुनीता दुग्गल जी, वो हमारे बीच आ चुकी हैं। तो बस सब लोग देखिए खड़े होकर उनका वेलकम कर रहे हैं, और इतनी बड़ी हस्ती हमारे चीफ गेस्ट बनकर आई हैं, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए, हमारे प्रोग्राम के लिए इतना टाइम निकाला, इसके लिए बहुत आभारी है। और पीछे इनकी सिक्योरिटी भी है, ये देख सकते हैं इतनी लंबी फौज साथ साथ इनकी थी। तो बस यहाँ पर सब लोग फोटो खिंचवाने में लगे हुए हैं। आप लोग देखिए आज कौन मिला है हमारे साथ, कौन आया है। इतने दिनों बाद भाभी से मिली हूँ, बहुत अच्छा लगा। और भाभी के ही शहर में हमारा प्रोग्राम था, तो मैंने कहा भाभी प्लीज आना जरूर, और भाभी एकदम आ गई हमारे लिए। थैंक यू संगम मेरे को। तो बस यहाँ पर भाभी को मैंने बुला लिया था, और बहुत अच्छा लगा मिलकर। और यहाँ पर जो सुनीता दुग्गल जी हैं वो कुछ बोल रही हैं, लेकिन आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, इतना शोर हो रहा था। और इनके साथ सब लोग फ़ोटो खिंचवाने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाया सबने, और मैम ने स्पीच दिया, मैम का सम्मान हुआ यहाँ पर। उसके बाद मैम चल दी हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं था कि सारा प्रोग्राम देखती। और जब भी ऐसे कोई महान हस्ती आती है ना, मतलब चीफ गेस्ट टाइप के लोग जब आते हैं, तो उनके साथ सिक्योरिटी इतनी होती है, और भी मीडिया वाले आ जाते हैं खबर सुनते के साथ ही। तो इतनी भीड़ हो गई थी, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी एकदम से, देखिए उनका निकलना मुश्किल हो रहा है, कैसे कैसे वो बेचारी निकली हैं। और वाकई में बड़ा आदमी बनना भी बहुत मुश्किल है, और भीड़ से बचना, कहीं भी आप अकेले नहीं जा सकते हैं, मतलब जहाँ भी आप जाओगे ना, बस लोग आपका पीछा करते करते आप तक पहुंच ही जाएंगे। तो यहाँ पर बस जैसे ही वो गई हैं, सब लोग ब्रेकफास्ट करने लग गए हैं। ब्रेकफास्ट में छोले और कुलचे थे, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। तो ममता मुझे बुला रही है। Thank you.
बी केयरफुल, बहुत छोटा बस हमारा डांस जो है वो शुरू हो चुका है। और यहाँ पर सबने क्रीम कलर की साड़ी और ऊपर से जो चुंदड़ी होती है वो सबने डाल रखी है, तो कितना सुंदर गेटअप आ रहा है। सबने इतनी तारीफ़ की हमारे ड्रेस की, बहुत ज़्यादा। और मतलब ड्रेस में तो हम फर्स्ट आए थे, लेकिन डांस हमारा सेकेंड आया था, पहले ही बता देती हूँ। बहुत ही अच्छा डांस परफॉर्म किया था सब लोगों ने, और सबसे सुंदर सबका गेटअप लग रहा था। सबने मिल के बहुत तारीफ़ की है सब लोगों ने, और बहुत अच्छा डांस भी हो गया, मज़ेदार मस्त, क्योंकि इतने दिन से प्रैक्टिस चली रही थी तो डांस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो हमारे डांस के बाद डब वाली की टीम जो है गिद्दा की थी, और वो लोग फर्स्ट आए थे क्योंकि उनका गिद्दा वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा था। खुद उन्होंने बोलियाँ बोली थी और खुद ही डांस किया था, तो बहुत ही अच्छा गिद्दा था। अब यहाँ पर जो है हमारा डांस, तीन पैरोडी हमने जोड़ी थी, तो थोड़ा थोड़ा सॉन्ग में सारा सुना रही हूँ। इस प्रोग्राम के लिए हम लोग कितने दिन से तैयारी कर रहे थे और बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे थे, इस कारण बहुत दिनों से मेरी वीडियो भी बहुत कम जा पा रही थी, क्योंकि स्कूल से आते ही हम डांस प्रैक्टिस के लिए चली जाती थी, और उसके बाद घर का काम, और गणपति जी बैठे थे तो उनकी भी पूजा अर्चना करना, उनके लिए भी प्रसाद बनाना, बस इसी सब में इतनी ज़्यादा बिजी हो गई कि आप लोगों के पास बहुत कम वीडियो मेरी पहुँची है। लेकिन कोशिश रहेगी अब मेरी बहुत जल्दी ज़्यादा वीडियो डालने की। अब एनर्जी हो गई, एनर्जी आ गई सबको, तो चलिए हम स्टेज पर चलते हैं। जो है खाना पीना सब हो गया है और हम हो गए हैं फ्री। अब भाभी जाएंगे अपने घर और हम दोनों अब जुदा होंगे। जुदा होने की घड़ी फिर से आ गई है, अभी पता नहीं कब मिलेंगे। बहुत याद आएगी, पहले भी बहुत आती है और अभी बहुत आएगी। सच में मिलते हैं, आप देखो कब मिलते हैं। बहुत बुरा लग रहा है। तो बस यहाँ पर मीनू भाभी जो हैं वो चल दी हैं, क्योंकि इवेंट ख़त्म हो गया, हम हिसार की तरफ आएंगे, और वो अपने घर चली गई हैं। और इतनी देर तक हमारे साथ थी, बहुत अच्छा लगा। ये सारी वीडियो इन्होंने ही शूट की है, क्योंकि मैं तो उसमें बिज़ी थी। चले गए हैं और अब हम भी जाएंगे हिसार की तरफ। तो यहाँ पर मैं तो मीनू भाभी के साथ खाना खा ली थी, लंच मतलब, और अभी यहाँ पर सब लोग लंच कर रहे हैं। उनको जाना था तो मैंने जल्दी उनको खिला दिया था, और उनके साथ ही मैं भी खा ली थी। आइसक्रीम खा रहे हैं सब लोग,
और ऐसा डांस आज हुआ है सिरसा में कि चप्पल तोड़ रहा है, मतलब स्टेज तोड़ते होंगे लोग, लेकिन हमने अपनी चप्पलें तोड़ दी। तो ममता देखो चप्पल तोड़ का हम सबको मेडल मिला है, मैम ने भी पहना है। हाँ ये देखो सबको मिला है। मैम आप भी अपना मेडल दिखाइए। हाँ और मैं भी अभी दिखा दूंगी। अरे इसका चप्पल टूट गया है, चुका है, मतलब हम सबको मिला है जो भी डांस में थे। बहुत अच्छा है, बहुत सॉलिड भी है, आइसक्रीम बहुत टेस्टी है, सच में आइसक्रीम बहुत टेस्टी है। सारे एंजॉय कर रहे, चप्पल टूट गया तो कोई बात नहीं, मेडल मिलने के बाद सब भूल गए, हम नंगे पैर भी घर नंगे पैर। हम साढ़े चार बजे सुबह पर मजा आ गया, सब मजा आज है, बहुत मजा आया, मुझे सबके साथ मस्ती की है मैंने भी। दोबारा फिर लगाएंगे चक्कर सिरसा के अंदर चप्पल। और आज की खास बात है कि यहाँ पे जितनी भी टीम आए थे उनको सबको हमारा कॉस्ट्यूम बहुत अच्छा लगा, सबको बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर एक मैम थी जो सरदार जी बन के आई थी गिद्दा वाले ग्रुप में, तो हम बस उनके साथ थोड़ी सी मस्ती करने लग गए हैं। बस अब हमने बहुत सारी मस्ती कर ली है, अब बस सब लोग अपने अपने मतलब शहर को जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी टीम जो थी बहुत दूसरे दूसरे शहर से आई थी, तो सब लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं। और ये रास्ते का व्यू मैं आप लोगों को दिखाती हुई हिसार की तरफ चल दी हूँ, तो बस अब घर के अंदर ही आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी मैं सिरसा से आ गई हूँ और बहुत ज़्यादा थकावट हो रही, सब कुछ रख रही हूँ। और वहाँ का प्रोग्राम बहुत अच्छा था, लेकिन सुबह से निकले थे तो थकावट भी हो ही गई है। और मीनू भाभी से मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और जो हमें ये सबको प्राइज मिला है, सभी जितने मेंबर थे, इसको मैं खोलती हूँ, जूस कप लग रहे हैं तो दिखाती हूँ आप। और सबसे अच्छी बात है कि हम टाइम से घर आ गए हैं। यहाँ पर मैं खोलती हूँ इसको और दिखाती हूँ। वाह अच्छा लग रहा है ये ऐसे पकड़ के। इसके साथ ये स्ट्रॉ भी है, क्योंकि बच्चे स्ट्रॉ डाल के बहुत खुश होकर पीते हैं, तो स्ट्रॉ भी है। तो ये और स्ट्रॉ मैं दोनों रख दूंगी। गाड़ी में बैठे बैठे मैंने कान का और गले का सब निकाल दिया है, और अब साड़ी भी निकालूंगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, फिर मैं घर के काम पे लगूंगी, कल सुबह स्कूल जाना है। तो चलिए लगे हाथ में क्वेश्चन पूछ लेती हूँ और वीडियो की एंडिंग कर देती हूँ। तो आज का क्वेश्चन ये है कि आज का जो हमारा प्रोग्राम था वो किस शहर में था, तो बस उस शहर का नाम बताना है आपको। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और सही आंसर टाइप कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए